हे फूडीज, कैसे हो आप। मैं हूँ पल्लवी, पल्लवी रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पाव भाजी की रेसिपी। एक अलग ही रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। आज हम देखने वाले हैं पाव भाजी की रेसिपी, उसके साथ पाव किस तरह से मसाला पाव बनाया जाता है और किस तरह से पाव को सॉल्व किया जाता है, उसकी भी टेक्निक देखेंगे। और आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की नई रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने सारे वेजिटेबल्स ले लिए हैं, कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी और आलू, गाजर, ये हमने ले लिए, उसे अच्छे से काट लिए हैं। अभी हमें इसे अच्छे से वॉश कर देना है। एक टेक्निक बताऊंगी, जब भी हम सब्जियाँ वॉश करेंगे उसमें हमें सॉल्ट यूज़ करना है। कुकर रख दिया है गैस के ऊपर, उसमें हमने तेल डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें हम जीरा डाल देंगे। जैसे ही जीरा चटकने लग जाएगा उसमें हम एक टेबल स्पून पाव भाजी मसाला डाल देंगे। ये टेक्निक बहुत ही कारगर है, इससे हमारे जो मसाले हैं उससे उसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छे से आएगा। और इसमें हम एक टमाटर डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। और ये हमने एक बीटरूट ले लिया है, बीटरूट से हमारी सब्जी को बहुत ही अच्छे से कलर आएगा। तो बीटरूट डाल देंगे हम, इसमें हमें कश्मीरी लाल मिर्च डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमारी जो सब्ज़ी है उसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ता, इसे हमें अच्छे से भूनना है। जो सब्जियां हमने वॉश करके रखी थी वो सारी सब्जियां हम डाल देंगे कुकर के अंदर, उसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। एक टेबल स्पून डाल देंगे नमक, फिर से हमें उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसके अंदर हमें एक गिलास भरकर पानी डाल देना है, बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, बस एक गिलास पानी इसकी सारी सब्जियों को सफिशियंट है। बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उसका जो स्वाद है वो बेस्वाद हो जाता है, तो इसीलिए हमें बस एक गिलास इसके अंदर पानी डालना है। और जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा हमें कुकर की जो लीड है वो बंद कर देनी है और 10 से 15 मिनट तक हमें धीमी आंच पर सब्जियों को अच्छे से पकाना है। और 10 से 15 मिनट के बाद प्रेशर पूरा रिलीज होने के बाद मैंने कुकर ओपन कर दिया है और आप देख रहे हो हमारी जो सब्जियां है स्मैशर से बहुत ही इजीली स्मैश हो रही है। तो हमारी जो सब्जियां है बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है। अब लगाएंगे सब्जी को तड़का। ये हमने ले लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है 2 टेबल स्पून भरकर ऑयल और 2 टेबल स्पून भर के हमने देसी घी ले लिया है। देसी घी डालने से बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी, तो देसी घी डालना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसके अंदर हमने जीरा डाल दिया। जीरा चटकने के बाद इसके अंदर हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है और प्याज हमने डाल दिया ऑयल के अंदर। प्याज को हमें अच्छे से कच्चापन निकलने तक अच्छे से भून लेना है। और ये हमने इसके अंदर डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के पाव भाजी मसाला, 1.5 टेबल स्पून भर कर लाल तीखी मिर्च और 1/2 टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च टोटल ऑप्शन है, हमने बीटरूट यूज़ किया है, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो सब्जियों का पर्क था हमने स्मैश किया था वो भी हमने डाल दिया सब्जियों के अंदर, उसे भी हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। अभी हमने जो सब्जियां है वो अच्छे से मिक्स कर दी है। कुकर के अंदर थोड़ी सी सब्जी बच गई थी तो उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डालकर उसे भी पल्प डाल दिया है पूरा कढ़ाई के अंदर। और हम जितना पानी चाहिए उतनी क्वांटिटी में आप उपयोग कर सकते हो। अभी हमने तवे पर थोड़ा सा बटर डाल दिया है और बटर डालने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल दिया है। उसके ऊपर हमने रख दिए हैं हमारी पाव किलादी और इसे हमें अच्छे से सेक देना है। ऊपर से थोड़ा सा देसी घी ग्रेस कर देंगे पाव के ऊपर से। और आप देख रहे हो बहुत ही सॉफ्ट हमारा जो पाव है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से आप पाव को सॉफ्ट किया जाता है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हो। और हमारी टेस्टी सी पाव भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। हम उसके साथ हम इंजॉय करेंगे मसाला पाव और उसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे थोड़ा सा प्याज। और टेस्टी सी सुपर टेस्टी अगर आप इसी तरह से बनाओगे तो बहुत झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी सी पाव भाजी बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपके एक लाइक से एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन आता है और मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हो चैनल पे, तो ताकि मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। और अभी हमारी जो सब्जियों की सीरीज चल रही है तो इसी तरह से हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा।
आपको फिर मिलेंगे और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खास खुशी खाते रहिए। फिर मिलेंगे और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय।